का अभिनंदन कि उन्होंने मुझे तीसरी बार काम करने का मौका दिया। बहुत सारी बधाई। नहीं नहीं अच्छा होगा, अच्छा आप लोग आ गए। अब वो 4+1 हो जाएगा और क्या, तो अपने पास हो जाएंगे। शाम को मिलते हैं भाई। वाह बेटा, एक मिनट इनको फ्री कर देते। देश ने एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो और विकसित भारत होने के लिए नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हो, इस पर मुहर लगाई है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर टीम मोदी की ऐसी घोषणा की है। मैं इस अवसर पर जब मुझे उसमें काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं सबसे पहले जोधपुर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 3 बार मुझे लक्षाधिक मतों से जिताकर अपनी सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश की टीम और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की टीम ने जो मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मुझे मुझमें विश्वास व्यक्त किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने धरातल पर उस विश्वास को सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए भागीरथी पुरुषार्थ किया। मैं देश के नेतृत्व का भी जो है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 3 बार संसद का चुनाव लड़ने का, संसद में आने का ऐसा विश्वास मुझमें व्यक्त किया। और मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं, उन्होंने मुझे लगातार 3री बार अपनी टीम में शामिल करके देश के विकास का उनका जो यज्ञ है उसमें आहुति देने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलने के संकल्प को लेकर जो काम कर रही और उस श्रृंखला को जिस तरह से हमने 10 साल तक आगे बढ़ाया, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, देश की सीमाओं को सुरक्षित करके, देश को आर्थिक परिदृश्य को बदलकर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए, उस श्रृंखला को और अधिक गति से आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम सब मिलकर के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, धरातल पर काम करने वाले बूथ के कार्यकर्ता, देशभर के ऐसे करोड़ों लोगों से मिलकर के ये जो टीम बनी है, उनकी ताकतवर जो टीम है, ये टीम देश को बदलने के लिए काम करेगी। एनडीए का पूरे परिवार का सदस्य भी सदस्य मिलकर के, उनके कार्यकर्ता मिलकर के, हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए वो उनके विषय है। देश ने जब कभी भी किसी विषय पर गौरव किया, ऐसी अनुभूति करने का अवसर आया होगा, कांग्रेस ने हमेशा उसमें राजनीति करने की कोशिश की। देश जब मंगलयान पर पहुंचा था, मंगल का ग्रह पहुंचा था, तब उन्होंने राजनीति की। जब चांद पर पहुंचा तो उन्होंने राजनीति की। जब देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तब उन्होंने उसको किस किस तरह की संज्ञाएं देकर के उस पर राजनीति की। भारत के जांबाज सैनिकों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। जब देश का नया संसद का भवन बना तब उसको लेकर के अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। विरासत का सम्मान हो चाहे वर्तमान में देश की उपलब्धि हो, कांग्रेस ने हमेशा ही ऐसे हर अवसर पर जब देश गर्व कर सके तब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश को उस सम्मान के अवसर पर झुकाने और मान को कम करने का प्रयास और प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये शायद ये उनके अब संस्कार और डीएनए का हिस्सा बन चुका है।